हम अक्सर जब स्टार्स को देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि उनकी दुनिया कितनी बेहतरीन होती होगी, लेकिन माया नगरी के अंदर क्या क्या चलता है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज के इस पैकेज में हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया और 6 साल की उम्र में काम के दौरान ही उनका रेप हुआ। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस डेजी ईरानी की, जो रिश्ते में फेमस कोरियोग्राफर फिल्म मेकर फरहा खान की आंटी भी हैं। डेजी ईरानी का नाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस में लिया जाता है। उन्होंने साल 1950 में अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। बचपन में ही वो रेप का शिकार हुई। अपनी दर्द भरी दास्तां उन्होंने नानी वेबसाइट मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने बताया कैसे 6 साल की उम्र में उनके साथ एक शख्स ने गलत काम किया और दुख की बात तो ये है कि वो इंसान एक्ट्रेस का केयरटेकर ही था। इंटरव्यू में डेजी ने कहा, जिस इंसान ने मेरा रेप किया था वो मेरा गार्जियन था। वो मेरे साथ चेन्नई में फिल्म हम पंछी एक डाल की शूटिंग पर आया था। एक रात होटल रूम में उसने मेरे साथ हिंसा की। उसने मुझे बेल्ट से मारा और धमकी थी कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे जान से मार देगा। एक्ट्रेस के मुताबिक अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। आगे उन्होंने कहा, अब वो इंसान मर चुका है। उसका नाम नजर था। वो जोहरा बाई अंबाले वाले के रिलेशन में था। जाहिर है उसके फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। मेरी माँ मुझे किसी भी हाल में स्टार बनाना चाहती थी। मैंने मराठी फिल्म से डेब्यू किया था। एक्ट्रेस कहती है कि आज भी वो दिन भूल नहीं पाई। डेजी ने कहा, मेरे जहन में आज भी उस इंसिडेंट की झलकियाँ आती हैं, लेकिन मुझे आज भी वो दर्द उसका बेल्ट से मुझे पीटना याद आता है। अगली सुबह मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर सेट पर वापस आ गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं अपनी माँ को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। डेजी ने यह भी कहा कि 10 साल बाद उनकी माँ को इस हादसे के बारे में पता चला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बारे में वो कहती हैं, वे शिद्दत से मुझे स्टार बनाना चाहती थी। मैं 15 साल की थी जब कहीं से उन्हें इस रेप वाले इंसिडेंट के बारे में पता चला। वो मेरे पास आई और पूछा कि क्या ये सब सच है। जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ ये सब सच है, तो वो बहुत शर्मिंदा हो गई। वो मुझसे माफी मांगने लगी। वो पल बेहद दिल दुखाने वाला था। डेजी का मानना, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए इंडस्ट्री में रहा आसान नहीं होती। इस तरह के हादसे हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं बदल गई थी, जो मैं खुद भी रियलाइज नहीं कर पा रही थी। बता दें कि डेजी ईरानी की 3 बहनें हैं, जिसमें वो सबसे बड़ी हैं। छोटी बहनें हनी सिंह, फरहान और जोया अख्तर की माँ और मेनका साजिद और फराह खान की माँ है। डेजी ईरानी ने अपने करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें नया दौर, जागते रहो, बूट पॉलिश और धूल का फूल ऐसी फिल्में रहीं जिनमें उन्होंने बाल कलाकार का रोल निभाया। वो आखिरी बार फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में नजर आईं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।